मंदिर यहाँ पर पहले आशीर्वाद देने का केंद्र था, अब ये सत्ता का केंद्र बन गया है। और थोड़ा सा बोलो। और जो यहाँ के बाबा जी हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश के सम्राट हैं। अब उनको ये समय नहीं है कि मंदिर से उनके लोग क्या क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से गोरखपुर में लूट, हत्याएं, व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हुआ है, ऐसा विगत 20-25 वर्षों में नहीं हुआ होगा, ना हमने सुना है। तो बहुत ही आक्रोश है, जिसको लोग बहुत सम्मान करते थे मुख्यमंत्री होने के बाद, गोरखपुर में उनके प्रति लोग आक्रोशित हैं, जिसमें खास तौर से व्यापारी तो बहुत ही आक्रोशित है। आपको पता होगा कि कितने व्यापारियों की हत्याएं हुई, कितने व्यापारियों के साथ लूट हुई, कितने व्यापारियों का अपहरण हुआ और कितनी लोग रोज वसूली हो रही है। देखिए, नगर निगम में तो हमारी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं रहती थी पहले, लेकिन इस चुनाव में चूंकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे, इस समय दिल्ली में और लखनऊ में दोनों जगहों पर यही राज कर रहे हैं। और शहर का व्यक्ति कितना परेशान है, कितना दुखित है, उसका दर्द वो जान गया है। हमें उम्मीद है अब की बार भाजपा से अधिक सीटें समाजवादी के लोग जीतेंगे। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।